पाकिस्तान का मसला अगर मैं आज हूं और पाकिस्तान कर्जों में डूब रहा हो, एक्सपोर्ट्स गिर रही हो, इन्वेस्टमेंट आ ना रही हो, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, यहां इस मुल्क में आमदनी और खर्चे में इतना बड़ा खसारा हो जाए और हम भीख मांगे फिरे दुनिया में कर्जे लेते लेते, मैं क्या करूं? आप सोचें कि अगर मैं हूं मैं क्या करूं? क्या आप समझते हैं कि मैं भागा फिरूंगा कशकोल पकड़ के दुनिया से भीख मांगने के लिए, कर्जे लेने के लिए? नहीं नहीं, इसलिए कि देखें, जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है इसका मतलब कि आपको, आप कोई गलती कर रहे हैं, उसके लिए आपको करेक्शन चाहिए। इसका यह नहीं मतलब कि हम आसान रास्ता लें, यह बड़ा आसान रास्ता है कि कर्जे लेने शुरू कर दो, भीख मांगो। लेकिन कभी भी कर्जे लेने वाले और भीख मांगने वाले की दुनिया इज्जत नहीं करती, कभी नहीं करती। और इंसान जो आसान रास्ता लेता है वो कमजोर हो जाता है, कौमें भी कमजोर हो जाती है जब वो आसान रास्ता लेती है। तो मैं अगर इनकी जगह क्या करूं, मैं फैसला करूं, मैं अपनी वो किश्तियां जला दूं कि मैंने कोई किसी से कर्ज या भीख नहीं मांगनी, फिर मैं क्या करूंगा? फिर मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे इस कौम की आमदनी बढ़ाऊं, पर मुझे सोचना पड़ेगा, मैं मजबूर होऊंगा क्योंकि मैंने आसान रास्ता नहीं लेना।